अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस शासन के समय संगठित शराब माफिया को संरक्षण देने के लिए आबकारी नीति बनाई गई। बड़े जिलों के समूह बनाकर कांग्रेस ने संगठित शराब माफिया को बढ़ाने का काम किया है। यही कारण है कि जहरीली शराब बनाकर बेचने वालों के लिए ये मुनाफे का धंधा बना रहा। वहीं उन्होंने आबकारी नीति में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री, आबकारी मंत्री और उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। अब सवाल इस बात का है कि ये जहरीली शराब का व्यवसाय क्यों बढ़ रहा है और क्यों लोग जहरीली शराब पी रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है, मेरा स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस सरकार के समय जो तत्कालीन आबकारी नीति बनाई गई थी वो इतनी ज्यादा त्रुटिपूर्ण थी कि जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि आज पूरा प्रदेश एक संगठित शराब माफिया की गिरफ्त में आ चुका है।